हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास नाइन्थ विच सब्जेक्ट पंजाबी दा क्वेश्चन आंसर जो बाकी तीन रह गए सन लैसन नंबर थ्री दे जो तीन क्वेश्चन आंसर रह गए सन करवान जा रही हाँ। पहले दो क्वेश्चन आंसर करवाए सी पंजाबी लोक नाचों विच्चों मर्दां दे नाच केड़े हैं, दूसरा सम्मी लोक नाच दा संबंध किस दंत कथा नाल है। सम्मी नाम दी लड़की बारे दस्या सी इस दंत कथा विच। इस तरह दो क्वेश्चन आंसर करवाए सी। मैनू उम्मीद है तुसी अपनी नोटबुक च कर ले होने ते पहला वाले दो लैसन भी कर ले होने उन्हां दे क्वेश्चन आंसर। ये थर्ड नंबर लैसन है पंजाबी लोक नाच। इस बच्चे हुण अगले क्वेश्चन आंसर करांगे। थर्ड नंबर प्रश्न लिखोगे भंगड़े विच नचन वालियां दे पहरावे बारे तुसी की जानते हो। भंगड़े विच नचन वालियां दे पहरावे बारे तुसी की जानते हो। ये तुसी देखे भी जो भंगड़ा करते है बंदे आदमी मर्द है जो उन्हों का पहरावा अलग तरह का होंगे, कपड़े अलग तरह के होंगे, मतलब वो आम कपड़े पा के डांस नहीं करते, नचते नहीं है। ना स्पेशल ड्रेस होंगी है। बुक पेज 16 ते इसका आंसर, बुक पेज 16 कटोगे, 16 नंबर बुक पेज कटोगे, बुक पेज 16 भंगड़ा वाले पैर लास्ट पैरे तो उपर वाली लाइन, उपर वाले पैरे च फस्ट पैरे च भंगड़े दे भंगड़ा भाग दे फस्ट पैरे च देखो फोर्थ लाइन च की लिखे कुंडियां मुछा। इस तो पहला लिखना है गबरू, उपर लिख रखे ना गबरू कुंडियां मुछा मावे वाली पग्गां सोने दे कैंठे सोने कुड़ते चादरां तिले दा जुतियां हाथ खुंडा चिमटे काटो अलगोजे आदि लोग साजा नाल भंगड़े पाउंदे हन। उन्हां दा पहरावा ही पुछिया सी, पहरावा हो गया ना सारा, हाँ पहरावा पा के फिर भंगड़ा पाउंदे हन। दोबारा फिर देखो सुनो इसनूं समझो। सब तो पहला लिखांगे गबरू, निशान लग गया फोर्थ लाइन ते देख रहे हो तुसी सारे। इस तो पहला कुंडियां तो पहला गबरू लिखना है, गबरू कुंडियां मुछां मावे वालियां पग्गां सोने दे कैंठे सोने कुड़ते चादरां तिलेदार जुतियां हाथ खुंडा चिमटे काटो अलगोजे आदि लोग साचा नाल भंगड़े पाउंदे हन। ये प्रश्न नंबर 3 दा उत्तर है। ये तुसी समझना है पहले, फिर इसनूं अपनी नोटबुक च करना भी है। साफ सुंदर वर्क करोगे, जिथे ज़्यादा चीज़ा देखो ता कॉमे लगे है तुसी भी लगाने हैं। हुण प्रश्न नंबर अगे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 की है झूमर का संबंध किस इलाके नाल है। झूमर दा संबंध किस इलाके नाल है। इसका उत्तर है 19 नंबर बुक पेज ते, बुक पेज 19 ते। हाँ देखो बुक पेज 19 है। इसका फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट पैरा पूरा आएगा, बस जड़ी लाइन कट्टी हुई है वो नहीं लिखनी, बाकी पूरा पैरा आएगा। जो आहा निशान लगे इस तो बाद भी अगे लिखना है, भुलेखे च लग गया निशान, तुसी पूरा लिखना पैरा, बस जो कट्टी हुई लाइन है वो नहीं लिखनी। झूमर लहिंदे पंजाब दे सांदलबार हुण पाकिस्तान इलाके दा प्रसिद्ध लोक नाच है। सांदलबार रावी ते चना विचकार दा महत्वपूर्ण इलाका है। इत्थों दे वसनीकां नूं जांगली भी कहा जांदा है।
सांदलवार दे इलाके विच शेखपुरा मिंट गुमरी चंग मंग्याणा लायलपुर आदि हिस्सा शामिल किया जाता है। मौजूदा समय देखो आ लाइन कटती एक उस तो बाद तो स्टार्ट हो गया। मौजूदा समय मतलब हुंदे समय यह नाच चढ़ते पंजाब का भी हिस्सा बन गया है। फिर देखो इस आंसर में दोबारा फिर दस दियाँ झूमर लहंदे पंजाब दे सांदलबार इलाके का प्रसिद्ध नाच है। सांदलबार प्रसिद्ध लोक नाच है। सांदलबार रावी ते चना विचकार दा महत्वपूर्ण इलाका है। इत्थों दे वसनीकां नूं जांगड़ी भी कहा जाता है। सांदलबार दे इलाके विच शेखपुरा मिंट गुमरी चंग मंग्याणा लायलपुरा आदि हिस्सा शामिल किया जाता है। मौजूदा समय यह नाच चढ़ते पंजाब का भी हिस्सा बन गया है। अगे प्रश्न नंबर पांच देखांगे। प्रश्न नंबर पांच की है, लोक नाचों के महत्व बारे तुसी की समझांदे हो। लोक नाचों के महत्व बारे तुसी की जानते हो। इस प्रश्न का उत्तर आह नीचे लिखा हुआ है, तुसी इत्थे देख के लिखोगे। उत्तर की है ध्यान नाल सुनोगे, जो कोई शब्द समझ ना आए तो हुण सुन लो। पंजाब दे लोक नाच आपसी सांझे भाईचारे का प्रतीक हैं। यह नाच सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते सगों शरीरक पक्षों भी नचन वाले नूं मजबूत बनाते हैं। लोक नाचा नाल किसी भी कौम का विरसा बहुत अमीर हो जाता है। वापिस फिर देखोगे, पंजाब के लोक नाच आपसी सांझे भाईचारे का प्रतीक हैं। यह नाच सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते सगों शरीरिक पक्षों भी नचन वाले नूं मजबूत बनाते हैं। लोक नाचा नाल किसी भी कौम का विरसा बहुत अमीर हो जाता है। मैनू उम्मीद है तुहानू समझ आ रही होगी राइटिंग दी। इसनू मैं दो मिनट इत्थे वीडियो रख दी हाँ, दो मिनट की थोड़ी एक मिनट रख दें वीडियो इत्थे। तुसी इसनू करोगे अपनी नोटबुक च कर लो, जल्दी जल्दी लिखोगे समझोगे। अगर कोई नहीं समझा रहा चंगी तरह पढ़ो उसनू, दोबारा सुन लो वीडियो नू ताकि तुहानू समझ आ जाए। इस तरह ये तीनों क्वेश्चन आंसर तुसी हुण अगे अपनी नोटबुक च करने हैं, लिखने भी हैं याद भी करने हैं। हुण अगे मैं तुहानू व्याकरण विच्चों नाव की परिभाषा करवा जा रही हाँ। नाव की परिभाषा ते भेद। नाउन जिसनू नाउन भी आखते हैं। नाव अध्याय नंबर तीन बुक पेज नंबर 9 है व्याकरण की। 9th 10th की इकट्ठी व्याकरण है, उनके विचों मैं हाँ। नाव हिंदी इसनू संज्ञा आखते हैं, नाव नू इंग्लिश विच नाउन। हुण इसकी परिभाषा ते भेद आप करांगे। ये भी तुसी अपनी नोटबुक च राइट भी करना है, लर्न भी करना है। परिभाषा की है इसकी, किसी व्यक्ति वस्तु जां स्थान दे नाम नूं नाम आखदे हन, जिवें सुखविंदर दविंदर सोना पानी सतलुज पहाड़ आदि। इत्थे तुसी कोई भी नाम लिख सकते हो, किसी भी चीज़ का या कोई भी बंदे का नाम, कोई भी जगह का नाम आदि सब लिख सकते हो। जिवें राम श्याम सोना पानी सतलुज पहाड़ है तो जयपुर दिल्ली इस तरह भी लिख सकते हो।
कोई भी परिभाषा च उदाहरण तो कोई भी हो सकती है ना। इस परिभाषा विच नाम दे उदाहरण देनी है, कोई भी लिख सकते हो नाम द्वारा। फिर परिभाषा पहले रीड करांगी, फिर अगे भेदा ते चलते हैं। परिभाषा की है, किसी व्यक्ति वस्तु जा स्थान दे नाम नू नाम आखते हैं, जिमें सुखविंदर दविंदर सोना पानी सतलुज पहाड़ आदि। नाव दे किस्में अगे नाव पांच प्रकार के होंगे, किन्ने प्रकार दे? पांच प्रकार दे। पहले नंबर ते हैं आम नाव या जातिवाचक नाम, दूसरे ते है खास नाम, तीसरा समूहवाचक जां इकट्ठवाचक नाम, चौथा द्रववाचक जां वस्तुवाचक नाम, पंजवा भाववाचक नाम। अगे इन्हां दा एक्सप्लेनेशन है, परिभाषा इन्हां दी भी नाल दित्ती हुई है, हुण आपां देखांगे इन्हां नूं। पहले नंबर ते आम नाम या जातिवाचक नाम है, ओह शब्द हुंदे हन जिवें गां, गौआं दा जाति विच्चों कोई गां, शहर शहरां विच्चों कोई खास शहर, पहाड़ पहाड़ां दी श्रेणी विच्चों कोई पहाड़, मतलब स्पेशल कोई जिवें राठी गां आ गया शहर विच्चों कोई खास शहर, दिल्ली शहर आ गया, पहाड़ पहाड़ां दी श्रेणी विच्चों माउंट एवरेस्ट आ गया। ते यह जातिवाचक नाम होंगे कोई खास चीज़ वास्ते, आम चीज़ वास्ते। दूसरे नंबर ते खास नाम, जो शब्द किसी खास शहर व्यक्ति नदी जां पहाड़ का नाम होवे उसनू खास नाम आखदे हन, जिवें सुखविंदर महिंदर जलंधर शिवनगर दिल्ली इंदिरा गांधी हिमालय पहाड़ आदि। तीसरे नंबर ते समूहवाचक जां इकट्ठवाचक, जो शब्द वस्तां जां जीवां दे इकट्ठ जां समूह नूं प्रगट करे उसनू समूहवाचक जां इकट्ठवाचक नाम कहिंदे हन, जिवें श्रेणी चोणा वग इज्जड़ सभा फौज आदि। चौथे नंबर ते हैं द्रववाचक या वस्तुवाचक, जेड़े शब्द तोलियां मीनियां जा सकन वालियां चीज़ां लई वरते जान उन्हां नूं द्रववाचक या वस्तुवाचक नाम आखदे हन, जिवें खंड तेल दुध घ्यो पानी आदि। यह तोलियां जमीनियां जा सकदियां ना, गिनिया नहीं जा सकता इन्हां नूं। भाववाचक जो शब्द केवल मन दे भाव जां रूप वस्तुआं, यानी जिन्हां दा कोई रूप नहीं हुंदा, मन दे भाव प्रगट कीते जांदे है बोलन द्वारा पर उन्हां नूं देखिया तां नहीं जा सकदा ना, रूप वस्तुआं नूं प्रगट करन उन्हां नूं भाववाचक नाम आखदे हन, जिवें प्यार खुशी गम ईरखा ईमानदारी आदि। इत्थों तक करना है, फिर वापिस तो एक बार रिपीट करांगी मैं। प्रकार दे नाम पंज प्रकार दे हुंदे हन, पहला आम नाम जां जातिवाचक नाम, ओह शब्द हुंदे हन जिवें गां, गौआं दा जाति विच्चों कोई गां, शहर शहरां विच्चों कोई खास शहर, पहाड़ पहाड़ां दी श्रेणी विच्चों कोई भी पहाड़। इस तरह तुहानूं समझ आ रही हैगी, मैनूं उम्मीद है। अगला खास नाम, जो शब्द किसी खास शहर व्यक्ति नदी जां पहाड़ दा
ना होवे उसनू आम खास नाम कहिंदे हन, जिवें सुखविंदर, महिंदर, जलंधर, शिवनगर, दिल्ली, इंदिरा गांधी, हिमालय पहाड़ आदि। थर्ड नंबर ते समूहवाचक जा इकट्ठवाचक नाम, जो शब्द वस्तां जा जीवां दे इकट्ठ जा समूह नू प्रगट करे उसनू समूहवाचक जा इकट्ठवाचक नाम कहिंदे हन, जिवें श्रेणी चोणा, वग, इज्जड़, सभा, फौज आदि। अगें द्रवाचक जां वस्तुवाचक, जेड़े शब्द तोलियां जां मिनियां जा सकन वालियां चीजां लई वरते जान, उन्हानू द्रवाचक जां वस्तुवाचक नाम आखदे हन, जिवें खंड, तेल, दुध, घ्यो, पानी आदि। फिफ्थ नंबर ते की है भाववाचक। भाववाचक ही अपने मन के भाव होंगे जो उन्होंने या जो चीज़ा दिखदियाँ नहीं उन्होंने प्रगट करते हैं उन्होंने की कहते हैं भाववाचक। जो शब्द केवल मन के भाव या रूप, यानी जिन्हों का रूप नहीं होंदा अरूप वस्तुओं नूं प्रगट करन उन्हां नूं की कहिंदे आ, दसो भाववाचक नाम की कहिंदे आ, भाववाचक नाम आखदे हन, जिवें प्यार। प्यार दिखता नहीं ना है, दिखता है कि रूप है कोई प्यार का नहीं। खुशी, खुशी का कोई रूप नहीं। गम, गम का कोई रूप नहीं। इन चीज़ों महसूस किया जाता है। ईरखा, ईमानदारी, ईमानदारी दिखती तो है भी वो ईमानदार बंदा, उन्हें इस तरह किया, पर उनका कोई रूप तो नहीं है कि ईरखा का कोई रूप है नहीं है। इस तरह यह की है भाववाचक जो महसूस किए जा। इस तरह तुसी इह नाम की परिभाषा तो भेद अपनी नोटबुक करने हैं और जो प्रश्न उत्तर देते हो भी करने हैं, अपना वर्क साफ सुंदर करना है। अगली वीडियो च होर टॉपिक दिखावांगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।